न रूप काम आता है सुंदरता, न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। अगर सच्चाई कहूँ तो शायद हो सकता है आप तो हंसेंगे ही, मेरे अध्यापक साथी भी हंस लेंगे। आज आपको एक रहस्य वाली बात बताता हूँ कि मैं प्लस टू में फेल हुआ हूँ। मैं प्लस टू में फेल हो गया था, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, और आपको जानकारी बता दूँ, और मुझे जो डर लगता सबसे ज़्यादा जो खतरनाक विषय था मेरे लिए वो था गणित। गणित से मैं बहुत डरता था, जो एम एस सी की तो गणित में ही करी थी, मैथमेटिक्स में ही की थी मैंने एम एस सी भी, नो डाउट। एक चुनौती है असफलता, एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। टीचर्स क्या कहते थे कि यह सुन तो रहा मेरी बात को, एक पर्ची लिखी उसके बैग में डाल दी, उसकी मम्मी के नाम, पिता नहीं थे उसके, क्या कि आपका बेटा पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसको विशेष जरूरत, विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है। विशेष आवश्यकता वाले कौन से, कौन से, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं वहाँ पढ़ाने की जरूरत है। इस बच्चे को इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, या तो हंसेंगे उस पर, या इसको पढ़ाने तक में 50 बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कहने पता या तो ये नहीं पढ़ पाएगा या 50 नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि ये पर्ची अपनी मम्मी को दे देना। शाम को गया कि मम्मी हमारी टीचर ने आपके नाम एक लेटर दिया है, उसमें बात वही लिखी हुई थी कि इस बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों में दाखिल कराने की जरूरत है, इस स्कूल में ये पढ़ने के लिए लायक नहीं है। उसे चुपचाप वो पर्ची मम्मी ने रैप कर ली और अपने अंदर जो बॉक्स वगैरह होता था अंदर सीक्रेट गल्ला वगैरह कोई अंदर पोटली वहाँ पर संदूक में रख दी। बालक ने पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है मम्मी, उसने लिखा है, मम्मी ने झूठ बोल दिया कि इसमें टीचर लिखा कि तू बहुत होशियार बच्चा है, इतना होशियार बच्चा है कि ये साधारण बच्चे तेरे साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में जाने की जरूरत है, जो बहुत बड़ा स्कूल हो। यानी उस बात का उल्ट बताया तुमने, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का मनोबल टूट जाए, ये सोच कर तुमने इस बात को ऐसे कर दिया और घर पर ही उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको उस दिन स्कूलिंग बंद कर दी उसकी, उसे पता लगा कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम चल रही। धीरे धीरे पढ़ाई की उसने, मेहनत की, और आपको पता हो जा होगा और होना चाहिए, अकेला ऐसा साइंटिस्ट है जिसके नाम 1093 बड़े डिफरेंट आर्टिकल, चाहे फोटोग्राफी कैमरा हो, इलेक्ट्रिक सेल हो, बल्ब हो, इलेक्ट्रिकल दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो, इनका आविष्कार अकेले ने किया है। 1093 ये उपलब्धि कम नहीं है, हम 2-4 उपलब्धियों के ऊपर ही नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। उस टाइम शायद नोबेल प्राइज़ की प्रथा नहीं होगी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो मंदबुद्धि रहे हों 1093 वस्तुओं का आविष्कार कर दें, ये उपलब्धि छोटी मोटी होती है। ये सारी बातें पढ़ने की नहीं है, सीखने की, हम इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं, मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, मेरा दोस्त तो बाइक पर चलता है, मुझे साइकिल पर जाना पड़ रहा है। ये साधन है, साध्य नहीं है, साधन है ये आपको मदद करते हैं थोड़ी बहुत आपका लक्ष्य प्राप्त करने में, लेकिन ये बिल्कुल परमानेंट लक्ष्य नहीं है। अभी 5 बातें हर हफ्ते अपने मन में याद रखो। पहली है आई एम द बेस्ट। मेरा साथी ज़्यादा होशियार है, मैं कमज़ोर हूँ ना, सबके पास एक जैसा दिमाग है, सबके पास, सिर्फ अंतर कहाँ है, एफर्ट्स में, प्रयास में, कोशिश में, मेहनत में अंतर है। करण जो है वो अर्जुन से किसी भी विधा में कमजोर नहीं था, वो भी उतना ही धनुर्धारी था जितना अर्जुन था, उससे कहीं अधिक था, लेकिन उनको कभी भी आपने कंपटीशन का मौका नहीं मिला। दूसरी बात है अपने आप को दूसरे तुलना मत करो। उसने ये लेसन 2 घंटे में तैयार कर लिया, मैं 3 घंटे में तैयार नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, ये अप्रोच रखनी आपने, कोई भी काम हो मैं इसको कर सकता हूँ, 100% जीत जाऊँगा, ये सोच हुए, टुडे इज माई डे, आज का दिन जो है वो मेरा दिन है। और ये अंतिम लाइन है
बहुत बढ़िया लाइन है, और मेरी जो पर्सनल डायरी है वहां पर भी एक लाइन मैंने लिख रखी है, क्योंकि ये अच्छी प्रेरक लाइन है। ज्ञान के मंच पर सब समान है, ज्ञान के मंच पर सब समान है, कहने मतलब आज से ये निश्चय कर लो, आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले। क्या गांठ बांध ले? कि कर्म के कुरुक्षेत्र में, कर्म के कुरुक्षेत्र में, बहुत अंडरलाइन करेंगे इस बात को हम, न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा।